हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप एक प्रॉपर तरीके से चैनल आर्ट बना सकते हो और उसे अपने यूट्यूब चैनल पे यूज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले चैनल आर्ट पे से आपके मोबाइल फोन में बना सकते हो। मोबाइल फोन में हम एक एप्लीकेशन को यूज करेंगे जिसका नाम है पिक्सआर्ट। तो पिक्सआर्ट की मदद से आप एक प्रॉपर तरीके से चैनल आर्ट कैसे बना सकते हो वो हम इस वीडियो में देखने वाले। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, आपके पास कोई डेस्कटॉप है या फोटोशॉप बहुत अच्छे तरीके से यूज करना जानते हो, तो आपके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया कि फोटोशॉप को यूज करके कैसे आप एक प्रॉपर तरीके से चैनल आर्ट बना सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। ऊपर जो आई बटन है इस पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि फोटोशॉप में चैनल आर्ट कैसे बनाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको चैनल आर्ट के बारे में बता दूं। चैनल आर्ट क्या होता है आपको देखिए, मैं साइड में देख रहा हूं। आपको इस तरह की एक ही इमेज बनानी पड़ती है और आपके जो यूट्यूब में जाके जो आपका चैनल आर्ट है वहां पर अपलोड करनी पड़ती है। तो आपके जो व्यूअर आता है आपके चैनल पर, जो कुछ भी व्यूअर आता है उसे यूट्यूब क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्रॉप करके दिखाता है। मतलब देखिए, आपके चैनल पर जो कुछ भी व्यूअर्स आते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से आते हैं। मानो कोई मोबाइल फोन से आपका जो यूट्यूब चैनल ओपन करता है, कोई लैपटॉप से ओपन करता है, कोई डेस्कटॉप से ओपन करता है, कोई टीवी से ओपन करते हैं। तो देखिए YouTube क्या करता है, जो उसका अंदर का इंटरफेस है, जो मोबाइल का अलग इंटरफेस है, टीवी का अलग इंटरफेस है, मानो लैपटॉप का डेस्कटॉप साइड का अलग इंटरफेस है, तो YouTube क्या करता है आपका जो चैनल आर्ट है उसे ऑटोमेटिकली क्रॉप करता है और जो आपका व्यूअर है उसे दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार हम बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो देखिए दोस्तों, आपका जो चैनल आर्ट है वो आपके व्यूअर को सबसे अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके जो व्यूअर है उसे आपका वीडियो पसंद आता है तो वो सबसे पहले आपका जो चैनल है उस पर आता है। तो देखिए, उससे सबसे पहले आपको चैनल आर्ट दिखता है, साइड में आपका आइकॉन दिखता है, जो आपका लोगो दिखता है, उसके साइड में आपका चैनल का नेम दिखता है, नीचे जो आपके बाकी के वीडियोज है वो दिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो चैनल आर्ट है वो आपको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ता है, जिससे आपके चैनल के बारे में आपके व्यूअर को पता चले आपने किस चीज से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते हैं, इससे आगे आपको व्यूअर को किस चीज से रिलेटेड वीडियोज मिलने वाले, उससे आपको व्यूअर को पता चलता है और फटाफट से वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपके वीडियोज कंटिन्यूसली देखता रहता है, आपके मतलब चैनल को बहुत सारा वो सपोर्ट करता है। इससे भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आपके इससे जो आपका व्यूअर है कंटिन्यूसली आपकी वीडियो देखता रहेगा और आपके चैनल पे वो आपके चैनल पे स्टेबल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं हम कि कैसे आप एक प्रॉपर तरीके से अपने मोबाइल फोन में पिक्सआर्ट को यूज करके प्रॉपर तरीके से चैनल आर्ट बना सकते हो। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो या आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो इस तरह के यूट्यूब के जो नए नए ट्रिक्स है, यूट्यूब के बारे में बहुत सारे मैं चीजें मतलब वीडियोज बना के अपलोड करता रहता हूं, टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोज बना के अपलोड करता रहता हूं, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो फटाफट से मेरे चैनल को नीचे दिए लाल बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट में जरूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको टेक्निकल से रिलेटेड यूट्यूब के बारे में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपका जो सोल्यूशन है, आपका जो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन बहुत बड़ा होगा तो उसमें मैं एक नया वीडियो बना के ऑफकोर्सली अपलोड कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे आप पिक्सआर्ट को यूज करके चैनल आर्ट बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे जो मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी, इनेबल कर दी। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था मैं पिक्सआर्ट में कैसे आप एक परफेक्ट तरीके से आपके यूट्यूब के लिए चैनल आर्ट बना सकते हो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक दो तीन इमेजेस लगेंगे और वो इमेजेस क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरह के कुछ इमेज लगेंगे। इस पे जो YouTube का जो चैनल आर्ट है उसकी साइज पहले से ही सेट की हुई है। आपको इमेज कहाँ से मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाके जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हो, वहाँ पे मेरा जो Google Drive का जो शेयर लिंक का ऑप्शन है आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जैसे क्लिक करते हो, डाउनलोड के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले से ही जो रेशो है वो यहाँ पे सेट कर दिए हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट एंड लोगो सेफ एरिया, मतलब आप जो कुछ भी आपके चैनल के बारे में लिखना चाहते हो, जो कुछ भी लोगो आप रखना चाहते हो, वो आप इस जो डार्क पोर्शन इसके अंदर रख सकते हो, इससे जो आपका सेफ रहेगा। मतलब आपका जो व्यूवर्स हो किसी भी प्लेटफॉर्म से आए, चाहे वो मोबाइल से आए, डेस्कटॉप से आए, टैबलेट से आए, या मतलब टीवी पे देखे, मतलब कहीं से भी आपके चैनल पे जाए तो उसे आपका ये जो स्ट्रक्चर परफेक्ट तरीके से दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बताया डेस्कटॉप मिनिमम एंड मोबाइल, उसके बाद में टैबलेट, उसके बाद में डेस्कटॉप मैक्स और टीवी। तो देखिए टीवी के लिए मतलब पूरी साइज जो है टीवी पे, मतलब आपका जो चैनल आर्ट है एक पूरी तरीके से पूरा का पूरा चैनल आर्ट जो आपकी इमेज बने हुए टीवी पे दिखती है। तो इसे आपको कैसे बनाना है सेट करने में आपको बता दो। तो देखिए सेकंड इमेज आपको लगेगी बैकग्राउंड का, देखिए इस तरह का कुछ आपका बैकग्राउंड लगेगा।
तो आप बैकग्राउंड आपके मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा आप बैकग्राउंड चॉइस कर सकते हो। आप अगर बैकग्राउंड आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके डायरेक्टली वहाँ पे सर्च कर सकते हो, सॉरी आप गूगल पे जाके वहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो बैकग्राउंड्स फॉर यूट्यूब चैनल आर्ट, या यूट्यूब चैनल आर्ट के लिए बैकग्राउंड आप कुछ भी सर्च कर सकते हो आपको मिलेगा। और अगर आपको इस तरह का चाहिए जो बॉक्स बॉक्स में इस तरीके जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, आप गूगल पे जाके जैसे ही सर्च करते हो एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड आपको कुछ इस तरीके के इमेजेस मिल जाएंगे। तो मैंने ये वाला इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें जो कलर है वो डार्क नहीं है, फेंट कलर से, और इसमें जो कुछ भी मैं करूँगा वो मतलब जो कुछ भी हम इस पर लोगो रखेंगे, जो कुछ भी हमारे चैनल के बारे में लिखेंगे वो डार्क में व्यूअर्स को दिखेगा। तो आप मेरा चैनल देख के मतलब आपको पता चल ही गया होगा। तो चलिए उसके बाद आपको क्या लगेगा, आपके जो चैनल का लोगो है लोगो लगेगा। तो देखिए लोगो हम सेंटर में रखने वाले जैसे मैंने बनाया था, जैसे मेरे चैनल का जो चैनल आर्ट है उसी तरीके से मैं बना के आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके का आपको 3 से 4 इमेजेस चाहिए। तो उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको आपको जो पिक्सा आर्ट है ओपन करना है। अगर आप पिक्सा आर्ट ऑलरेडी यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज होगा। लेकिन अगर जो कोई ये वीडियो देख के पिक्सा आर्ट जिन्होंने डाउनलोड किया पिक्सा आर्ट में करना चाहते हो मोबाइल पर करना चाहते हो, उनके लिए मैं आपको सारी सेटिंग्स यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे एक ऐड का ऑप्शन दिया है, ऐड का बटन दिया, आपको उस पर यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करते हो आपके जो गैलरी में रिसेंट फोटोज है यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर में शो करते हैं। अगर यहाँ पे नहीं देख रहे तो आप ऑल फोटोज में जाकर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगा, वो आपसे उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इमेज आपको ये वाली इमेज सबसे पहले लेनी है। तो देखिए इसमें जो कुछ भी रेशियो है मैंने आपको पहले बता दिया, सब कुछ यहाँ पे ऑल सेट किया हुआ है। उसके बाद हम जो कुछ भी काम करेंगे वो करेंगे ड्रॉ में। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो लेयर का ऑप्शन, लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके का आएगा, मतलब सबसे पहले जो आपका टेक्स्ट लोगे ये जो इमेज है इसके लेयर आपको दिखाएगी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए ऐड लेयर का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ऐड लेयर के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो न्यू लेयर आपको ओपन हो जाएगा, मतलब एक ब्लैंक लेयर ओपन हो जाएगी। अब उस पर हमें क्या करना है कि उसी लेयर के साइड में एक आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड इमेज, तो ऐड इमेज पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं फोटो और स्टिकर, तो आपको फोटो पे क्लिक करना है। तो इसके बाद देखिए आपको जो कुछ भी बैकग्राउंड है बैकग्राउंड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको इतने साइज में बराबर सेट कर लेना है, जिसके मैं यहाँ पे बराबर सेट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद क्या करना है कि सेट होने के बाद यहाँ पे लेयर के ऑप्शन के पे आपको वापस क्लिक करना है, और यहाँ पे ओपेसिटी का जो ऑप्शन यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी आपको कम कर देने, आप चाहे तो इसकी पूरी ओपेसिटी कम कर सकते हैं या कुछ नॉर्मली रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली रखना चाहूँगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, वापस लेयर पे जाना है और यहाँ पे ऐड लेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड लेयर पे क्लिक करते हो उसके बाद वापस आपको ऐड इमेज पे जाना है, फोटो पे ऐड जाना है, और आपका जो चैनल का जो लोगो है लोगो यहाँ पे ले लेना। सॉरी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जब आप यहाँ से ऐड करते हो तो सबसे पहले आपको इसे जूम कर लेना, क्योंकि जब आपका लोगो ऐड करते हो तो ये जूम नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले जूम करना है, उसके बाद आपका जो लोगो है चैनल का यहाँ पे ले लेना है। तो देखिए मैंने मेरा जो चैनल का लोगो है, देखिए ये जो डार्क पोर्शन के अंदर आपको आपका जो चैनल का लोगो है जहाँ पे लिखा है डेस्कटॉप मेनू एंड मोबाइल, इसका जो डार्क पोर्शन है इसके अंदर आपको जो आपका चैनल का लोगो है यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। तो देखिए उसके बाद आप एक कॉर्नर में YouTube या YouTube/TechieSwappy जैसा मैंने डाला है वैसा आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐड लेयर पे जाता हूँ, वापस एक न्यू लेयर ऐड करता हूँ, उसके बाद वापस इमेज पे जाके ऐड फोटो पे जाके यहाँ पे जो मेरा चैनल का जो YouTube है, सॉरी ये जो YouTube है आप यहाँ पे इसे कॉर्नर में सेट कर सकते हो। सॉरी मैंने आपको बताया था इसे जूम करना है सबसे पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पे जूम किया, उसके बाद ऐड फोटो पे गया, उसके बाद देखिए यूट्यूब, और इसे मैं यहाँ पे कॉर्नर में सेट कर दूँ। बाद में हम इसके आगे लिख देंगे YouTube/TechieSwappy, ये हम अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट ऐड बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता, इसलिए इतना हमने सेट कर लिया। उसके बाद देखिए अब हमने जो हमारी सेटिंग की है वो हमने सेटिंग की है डेस्कटॉप के लिए या मोबाइल फ़ोन के लिए। तो टीवी पे भी ये एक बिग साइज़ में दिखना चाहिए, तो उसके लिए आपको और एक लेयर ऐड करनी है। और एक लेयर का ऐड करने के बाद देखिए मैंने जो मेरा चैनल का लोगो है उसे मैंने कुछ इस तरीके से मतलब बना के रखा था। देखिए ये TS जो लिखा है कुछ इस तरीके से बना के रखा था, आपको इसे एक फुल इमेज में मतलब सेट करना है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसे बिग कर रहा हूँ, ऐड इमेज पे जाना है, फोटो पे जाना है, उसके बाद देखिए आपको जो ये वाली इमेज है इसे आपको सिलेक्ट करना है, इसे थोड़ा बड़ा कर देना है। तो देखिए मैं इसे और बड़ा कर रहा हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ये वाली साइज़ मेरे लिए सेट है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लेयर है लेयर के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे इसकी जो नॉर्मल इसे आप मतलब मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो बराबर हो रहा है या कलर बर्न करके। तो देखिए मेरे यहाँ से मतलब जो मल्टीप्लाई के ऑप्शन से ये वर्क कर रहा है, तो मैं लाइट ऑन करके देखता हूँ एक बार स्क्रीन करके देखता हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई का जो ऑप्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ,
और उसके बाद ये जो TS है इसका मतलब जो सेंटर वाला ऑप्शन है इसे हम मतलब इरेज कर देते हैं। देखिए मैं कैसे इरेज करना है आपको बता दो, इरेज के ऑप्शन पे आपको जाना है और जो सेंटर वाला पार्ट है आपको इसे इरेज कर देना है। इससे क्या होगा, जो कोई टीवी पे दिखेगा, टीवी पे आपको जो बड़ा वाला TS का लोगो है बड़ा वाला टीवी पे दिखेगा, यहाँ पे मतलब नहीं दिखेगा। तो इसे मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से इरेज कर देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से कुछ हो गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये वाला हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका जो मतलब लेयर का ऑप्शन, लेयर के ऑप्शन पे वापस जाना है। आपकी जो बैकग्राउंड की लेयर थी उसकी जो ओपेसिटी आपको फुल कर देनी है। तो देखिए जैसे आप फुल करते हो तो कुछ आपका इस तरीके से जो आपका चैनल आर्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इसे अभी आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। आप अप्लाई पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए हमने यूट्यूब यहाँ पे सिर्फ लिख के रखा था। यहाँ पे आपको जाना है टेक्स्ट पे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ /TechieSwappy, मतलब YouTube पे आके कोई भी ऐसा सर्च करे YouTube/TechieSwappy तो उसे मेरा चैनल मिल जाएगा। इसे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो आप अलग अलग तरह के फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। मैंने देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, उसके हिसाब से आप जैसा चाहो वैसा आपके लिए मतलब अलग अलग तरीके के चैनल आर्ट बना सकते हो। तो देखिए ये हो गया हमारा चैनल आर्ट एक सिंपल तरीके से। जैसे आप इसे YouTube पे जाके अप्लाई करते हो तो ये आपके चैनल के लिए एक परफेक्ट तरीके से मतलब वहाँ पे सेट हो जाता है या वो एक परफेक्ट तरीके से दिखता है। तो देखिए ये कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मतलब मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे अगर ये वाला मेरा वाला अभी वाला चैनल आर्ट देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए एक परफेक्ट तरीके से ये बराबर सेट हो गया, वो ऑटोमेटिकली जो यूट्यूब है इसे क्रॉप कर रहा है। अगर कोई देखिए डेस्कटॉप पे दिखेगा तो डेस्कटॉप पे देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ डेस्कटॉप पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और देखिए दोस्तों मैंने आपको मतलब एक सिंपल तरीका क्यों बताया, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइड में सब्सक्राइब का एक ऑप्शन आ रहा है। देखिए मेरा जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी है। ये कैसे ऐड करनी है, आप अबाउट में जाके वहाँ पे आपको नीचे लिंक्स मिल जाएगा। आप वहाँ पे जैसे आपकी लिंक वहाँ पे एंटर करते हो तो आपको वहाँ पे मतलब मिल जाएगा लिंक ऑप्शन। वहाँ पे जैसे आप सब्सक्राइब की या इंस्टाग्राम की मतलब लिंक डाल देते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके लोगो आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये लोगो आते हैं, इसलिए मैंने जो राइट साइड में वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट साइड में हमने YouTube/TechieSwappy डाल दिया, बीच में हमारा TechieSwappy का लोगो डाल दिया। तो इसलिए मैंने ज्यादा मतलब इसमें ज्यादा आपका अगर जो चैनल आर्ट आप जितना सिंपल रखोगे उतना ही जो व्यूअर्स को अटैक करेगा अच्छे तरीके से दिखेगा। तो अगर कोई देखे दोस्तों लैपटॉप पे इस तरीके से दिखता है, मोबाइल पे इस तरीके मतलब जो हमारा चैनल आर्ट एक परफेक्ट तरीके से अभी बन गया। तो ऐसे करके आप पिक्सआर्ट से बहुत अच्छे अच्छे तरीके से चैनल आर्ट बना सकते हो। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो देख के आपको पता चली गया होगा कि इसे आप एक प्रॉपर तरीके से चैनल आर्ट बना सकते हो। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपने चैनल आर्ट बना भी लिया होगा या पहले आपने वीडियो देखा होगा उसके बाद आप बनाओगे। तो देखिए दोस्तों ऐसे करके आप प्रॉपर तरीके से चैनल आर्ट बना सकते हो और आपके बहुत सारे व्यूवर्स या बहुत सारे सब्सक्राइबर ग्रो कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, कीप कनेक्टेड विद अस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।